जय ऑल कैडेट्स, मैं हूं विजय झणिया। हमारे यूट्यूब चैनल 10 MP बटालियन NCC में आप सबका स्वागत है। और आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, जो अपनी एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो हमने लिख रहे हैं बोर्ड पर, पांच पांच नंबर में ये क्वेश्चन देखने को आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन पहला नंबर, ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, ये पांच पांच नंबर में आपको देखने को 100% मिलेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम एग्जाम नजदीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है। पांच नंबर में अगर पूछ लिया तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, एक साथ में घिसीट कर नहीं लिखना है, पॉइंट पॉइंट में लिखना है। पॉइंट पॉइंट में लिखने से नंबर आसानी से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला, राष्ट्रीय निर्माण में एनसीसी कैडेटों की भूमिका, पॉइंट वाइज लिखना है। नंबर वन, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गरीबी उन्मूलन। तीसरा, सड़क निर्माण। चौथा, उच्च शिक्षा। पांचवा, मानव संसाधन विकास। छठा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की मदद करना। राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना। अनुशासन, सामाजिक सेवा में मदद। अगर ऐसा आ गया कि एनसीसी कैडेट की भूमिका, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे जो निबंध जैसे लिख देना है। ठीक है, ऐसे नंबर कोई नहीं देगा, नंबर देंगे लेकिन काट काट के आपको नंबर मिलेंगे। जितना आप पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं राष्ट्रीय एकता में आती है। नंबर वन, भाषावाद, जातिवाद, उग्रवाद, सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और निरक्षरता। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधा है। ये छोटी छोटी है लेकिन इसको आपको पॉइंट पॉइंट वाइज लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ पॉइंट पॉइंट लिखो, ठीक है, पॉइंट पॉइंट लिखने में आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर देने वाले को आसानी से देखेगा कि हाँ सही सही क्वेश्चन उत्तर लिख रखा है, आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार। ठीक है, क्वेश्चन को देखना, आधार पूछ रहा है, कहीं संबंधित कारक पूछ ले, अवगठित करने वाले कारक, मूल्यों के नाम, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है उसका। तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार कौन कौन से है। पहला, ऐतिहासिक एकता, ठीक है, राजनीतिक एकता, भौगोलिक एकता, मानसिक एकता, धार्मिक समन्वय, जातीय एकता, आर्थिक हित, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, ये प्रमुख आधार हैं, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के। अगला, दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम, अपने दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं उनके मूल्यों के नाम कौन कौन से आपको याद रखना है। पहला, एक तो ईमानदारी, सबसे इंपॉर्टेंट ईमानदारी। दूसरा इंपॉर्टेंट, अनुशासन, किसी पर विश्वास, अखंडता, पवित्रता, सहायता, किसी की मदद करना, अच्छाई, समानता, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, वफादारी और निष्ठावान, ये अपने जीवन दैनिक जीवन जैसे कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है, अगर पांच पांच नंबर का ये जो बता है ना हम लोग आप लोगों को, ये पांच पांच नंबर में आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले और नोट कर ले और इसको पढ़े। ठीक है, हो गया। अगला, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व और ये प्रमुख आधार थे, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ठीक है, उल्टा उल्टा मत लिख देना तो नंबर नहीं मिलेंगे। पांचवा, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीयता की भावना, विदेशी तत्व। ये जब हमने हमने पेपर दिया था, ठीक है, सी का, तो ये ऐसा कैसा पांच नंबर में बैठा था। ठीक है, ये पांच नंबर में ऐसा कैसा बैठा था, पांच नंबर में, तो हमने ये वाले लिखे थे। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या लिखना है। ठीक है, ऐसे कि एक दो तीन चार पांच एक जैसे हैं, सेम सेम, ये भी थोड़ा सेम ही है, तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि तत्व पूछा या आधार पूछा या संबंधित कारक पूछा या मूल्य, तो आपको याद रखना है। अगला, भारत में राष्ट्र निर्माण से संबंधित इसमें कारक पूछ लिया। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के कारक पूछ लिया, इसमें क्या पूछा था, विघटित तत्व, इसमें मूल्य और इसमें आधार, तो इसको याद रखना है। पहला कारक कौन सा है, शिक्षा और विवाह, पहला कारक हो गया। दूसरा, वैज्ञानिक विकास। तीसरा, सामाजिक आंदोलन व विकास, सामाजिक व आर्थिक नियोजन,
जनसंख्या में वृद्धि व नियंत्रण, सांस्कृतिकरण, प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, ये थे आपके कारक संबंधित राष्ट्र निर्माण के संबंधित कारक। इसमें पांच पांच नंबर के हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है इसको। पहला, राष्ट्र निर्माण एनसीसी कैडेट की भूमिका, क्वेश्चन नंबर एक। दूसरा, राष्ट्रीय एकता मानने वाली बाधाएं। तीसरा, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण मूल्य, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व, राष्ट्र निर्माण संबंधित कारक। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, उल्टा सुल्टा नहीं लिखना है, लिखना है टोटल पॉइंट वाइज लिखना है। आप निबंध जैसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन बहुत कम, काट पीट कर आपको नंबर दिए जाएंगे। जितना साफ साफ लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जय हिंद।